गोंडा जिले में 8,000 हेक्टेयर में फैली टिकरी जंगल को ओपन सफारी के रूप में विकसित कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए गोंडा, लखनऊ, दिल्ली, पटना से वन विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई है, जिन्हें रोड मैप तैयार करने को कहा गया है। टिकरी जंगल को ओपन सफारी बनाने के लिए मंत्रालय से हरी झंडी मिल चुकी है। इसका फंड भी उत्तर प्रदेश सरकार को आ चुका है। केंद्रीय विदेश राज्य एवं पर्यावरण मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि टिकरी जंगल में ओपन सफारी अर्गा पार्वती पक्षी विहार को केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसको इको पर्यटन की तर्ज पर विकसित करने जा रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि जो हमारा ये इतना पुराना क्षेत्र गोंडा का है, अर्गा झील है, पार्वती झील है, उससे लगे और भी झीलें हैं। ये जो विश्व के जो रामसर साइट्स बनाई गई हैं, जो आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स को कंजर्वेशन के लिए जो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये हिस्सा है, हम लोग दुनिया के नाम पर हैं। और इस अपने इन झीलों का कैसे, इनका हमारे यहाँ का पर्यावरण का कैसे संरक्षण हो, इन झीलों का कैसे संरक्षण हो, और इस झील से जुड़ी हुई जो हमारे अगल बगल हजारों हमारे खेतिहर लोग हैं, फार्मर हैं, गांव हैं, उनके लाइवलीहुड पर, उनके खेती पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या फर्क आ सकता है, उसके साथ साथ जो हमारे नौजवान लोग हों, नौजवान लोग हैं, उनको हम लोग क्या एम्प्लॉयमेंट का हम लोग इनके जरिया बना सकते हैं, क्योंकि बगल में हमारी अयोध्या नगरी का इतनी तेजी से विस्तार हो रहा है, वहाँ पे लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इसको एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करके उनका यहाँ भी आना जाना हो, जिससे हमारे जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, और खास करके जो नवयुवक लोग हैं, उनको भी अपनी जीविका चलाने के तमाम अन्य साधन मिल जाएं,